हेलो फ्रेंड्स, अगर घर पर कोई सब्जी ना हो और कुछ टेस्टी या चटपटा खाने का मन हो तो आप ये सब्जी बनाकर ट्राई कर सकते हैं। आलू से बनी ये सब्जी खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। इसे खाने के बाद लोग आपसे एक बार पूछेंगे जरूर कि आपने ये रेसिपी कैसे बनाई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 ये कच्चे आलू लिए हैं और इन्हें देखिए छील कर पानी में रख लिया था ताकि ये काले ना पड़े। अब मैंने यहाँ पर ग्रेटर ले लिया है। ग्रेटर की जो ये मीडियम वाली साइज होती है, इससे हम आलू को यहाँ पर ग्रेट कर लेंगे। मैंने यहाँ पर 3 आलू से सब्जी बनाकर तैयार की है। इतनी सब्जी परिवार के 3 से 4 लोगों के लिए पर्याप्त है। तो आप जिस हिसाब से सब्जी बनाएं उस हिसाब से यहाँ पर आलू ले लें। आलू को मैंने ग्रेट कर लिया है और आलू पानी बहुत छोड़ता है, तो अब आप हाथ में इस तरह से लेकर आलू को अच्छे से दबा लीजिए ताकि इसमें जितना भी पानी वगैरह हो वो सारा निकल जाए। ये देखिए इस तरह से, और इन्हें एक बाउल में अलग रखते जाएंगे। इसका पानी हमें अच्छे से निकाल लेना है। ये देखिए, तो यहाँ पर मैंने ये सारे आलू का पानी निचोड़ कर इसे अलग कर लिया है। तो इसे फिलहाल हम यहाँ पर साइड में रख लेते हैं। और यहाँ पर ले लिया है मैंने मिक्सी का जार। यहाँ पर मैंने एक ही बड़े साइज के प्याज को काट कर लिया है, तो इसे मिक्सी के जार में डाल देंगे। एक अदरक के टुकड़े को काट कर ले लिया है मोटा मोटा, और 7 से 8 लहसुन की कलियां। अब इन सारी चीजों का हम यहाँ पर पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से ये दरदरा सा पेस्ट मैंने यहाँ पर बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम 1 चम्मच पेस्ट का यहाँ पर आलू में राल डाल देंगे और इसी के साथ यहाँ पर बाकी चीजें भी ऐड कर लेंगे। 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला और यहाँ पर 2 चम्मच बेसन। मैंने यहाँ पर नमक का इस्तेमाल नहीं किया है। नमक का इस्तेमाल हम बाद में करेंगे, क्योंकि पहले नमक डाल देने से यहाँ पर जो आलू है हमारा वो पानी छोड़ देगा। तो सारी चीज़ों को यहाँ पर अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह का इसका ये डो बनकर हमारा तैयार हो जाएगा। ये देखिए, तो इन आलूओं को फिलहाल हम साइड में रख देंगे और सब्जी बनाने के लिए आगे की तैयारी कर लेंगे। गैस पर मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है। इसमें डालेंगे यहाँ पर हम 1 चम्मच तेल। तेल हमारा जैसे ही गर्म हो जाएगा, 1/2 छोटी चम्मच जीरा और 1 टुकड़ा दालचीनी का। जीरा हमारा इसे अच्छे से चटक जाएगा, तो हमने जो प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रखा है इसे हम कढ़ाई में डाल लेंगे और इसे हम यहाँ पर अब अच्छे से भूनेंगे ताकि हमारे प्याज और लहसुन का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। ये 2 से 3 मिनट लगेंगे और मसाले हमारे अच्छे से भुन जाएंगे। यहाँ पर ये देखिए प्याज और अदरक लहसुन हमारे यहाँ पर अच्छे से भुन चुके हैं। तो अब गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर यहाँ पर कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और ये 1/2 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। लो फ्लेम पर थोड़ी देर तक हम मसालों को भी यहाँ पर भूनेंगे। मसालों को तेल में डालकर पहले भूनने से सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने एक ही मीडियम साइज़ के टमाटर का पेस्ट बनाकर लिया हुआ था, तो इसे भी हम साथ में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कटोरी में थोड़ा सा टमाटर का पेस्ट लगा हुआ था, तो मैंने पानी मिलाकर उसे भी कढ़ाई में डाल लिया है। और यहाँ पर लिया है स्वाद अनुसार नमक या 1 छोटी चम्मच नमक, और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम पर करेंगे और मीडियम फ्लेम पर ढककर यहाँ पर मसालों को पकाएंगे जब तक इनसे तेल अलग नहीं हो जाता है। मसालों को चेक कर लेते हैं और ये देखिए मसालों ने यहाँ पर तेल छोड़ दिया है, और जितना पानी था यहाँ पर मसालों में वो भी सारा अच्छे से सूख चुका है। तो बस अब थोड़ी देर इन मसालों को और पका लेती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़े से कच्चे लग रहे हैं। तो ये देखिए मसाले यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से ये भुन चुके हैं। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल तेल इनका अलग हो चुका है। तो अब हम इसमें पानी डाल लेंगे। आपको ग्रेवी को जितना गाढ़ा या पतला रखना है उसके हिसाब से आप यहाँ पर पानी मिला लीजिए। तो मैंने यहाँ पर ये 1.5 ग्लास के करीब पानी डाला है। गैस की फ्लेम को मीडियम पर कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर ढक कर हम आपको यहाँ पर अब सब्जी को पकने देंगे और आगे की तैयारी कर लेंगे। यहाँ पर जो आलू का हमने ये डो बना के रखा हुआ था इसे भी देखिए यहाँ पर 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हरे धनिया की पत्तियाँ डालकर इन्हें आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें से यहाँ से नींबू के आकार के बराबर आप छोटी छोटी गोली बना लीजिए। देखिए हाथ में इन्हें इस तरह से गोल करते हुए टिकिया का शेप दे दीजिए। मैं इन्हें टिकिया के शेप में यहाँ पर बनाकर तैयार कर रही हूँ, तो आप अपने सब्जी को किसी भी अपनी मनपसंद शेप में यहाँ पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से, और सारी टिकिया हम इसी तरह से यहाँ पर बनाकर तैयार कर लेंगे।
दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर पैन में ये तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। तो एक एक टिकिया को हम यहाँ पर अब पैन में डालेंगे और इन्हें यहाँ पर सेक लेंगे। मैं यहाँ पर इन टिकियों को यहाँ पर शैलो फ्राई कर रही हूँ, तो आप चाहें तो इन्हें यहाँ पर डीप फ्राई भी कर सकते हैं। अगर आप इन टिकियों को यहाँ पर फ्राई नहीं करना चाहते हैं तो आप जहाँ पर ग्रेवी उबल रही है उसी के ऊपर एक छन्नी या प्लेट रख दीजिए कढ़ाई के ऊपर, और उसमें इस सब्जी को यहाँ पर स्टीम करके भी बना सकते हैं। ये देखिए नीचे से सिक चुकी हैं, तो इन्हें हम पलट लेंगे और पलट पलट कर दोनों तरफ से इन्हें अच्छे से सुनहरा होने तक सेक लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर इनका आया है। तो इसी तरह से हम आलू की सारी टिकियाँ यहाँ पर सेक कर तैयार कर लेंगे। ये देखिए आलू की सारी टिकियाँ यहाँ पर सिककर तैयार हो चुकी हैं, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार हुई हैं। आप इन्हें इसी तरह भी खा सकते हैं, नाश्ते के लिए भी बनाकर, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई हैं। लेकिन अभी तो हम इनकी सब्जी बना रहे हैं, तो चलिए चेक कर लेते हैं ग्रेवी हमारी पकी या नहीं। तो देखिए कढ़ाई का ढक्कन हटाकर चेक करते हैं, और ये देखिए ग्रेवी हमारी यहाँ पर अच्छे से पक चुकी है। ये देखिए कितना अच्छा कलर यहाँ पर ग्रेवी का आ चुका है। अब इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच गरम मसाला और इसे मिक्स कर लेंगे, और साथ में हमने जो आलू की टिकिया बनाकर रखी हुई थी इन्हें भी हम कढ़ाई में डाल लेंगे और मिक्स कर लेंगे। और अब हम ढककर फिर से सब्जी को 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि जो हमने जो आलू की टिकिया बनाई है वो भी ग्रेवी के साथ अच्छे से पक जाए और हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। और ये देखिए ये आलू की टिकिया हमारी यहाँ पर अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, सब्जी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। तो ऊपर से डाल देते हैं थोड़ा सा हरा धनिया और इसे मिक्स कर लेते हैं, और आलू की चटपटी मज़ेदार टेस्टी सी सब्जी हमारी है यहाँ पर बनकर तैयार हो चुकी है। ये देखिए तो अब गैस को ऑफ करते हैं और सब्जी को एक प्लेट में निकाल लेते हैं, और ये देखिए आलू की गर्मा गर्म चटपटी टेस्टी सब्जी हमारे यहाँ बनकर तैयार हो चुकी है। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर, ये देखिए कितनी सॉफ्ट हमारी ये आलू की टिकियाँ यहाँ पर बनकर तैयार हुई हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार हुई हैं और अंदर तक इनमें ग्रेवी अच्छे से गई है। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपकी सब्जी भी कैसी बनकर तैयार हुई है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।